गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सेशन रहेगा ओबेसिटी पे रहेगा। आज दैनिक दिनचर्या में लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जनरली क्या होता है, सभी लोग जो है वो सीटिंग जॉब करते हैं, जैसे 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी रूटीन में वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से ओबिसिटी का बढ़ जाना, मतलब मोटापा जो बढ़ना एक प्रकार से आम बात होने लगी है। और दूसरी बात, हमारे जो खान पान, रहन सहन, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक नहीं मिल पा रही है। और अभी इस वजह से देखा जाए, खान पान, रहन सहन और अपने लाइफ स्टाइल में बिजी रहने की वजह से मोटापा का बढ़ना आम बात हो चुकी है। तो आज हम आधा घंटा कुछ अभ्यास करेंगे जिससे हम अपने वजन को बढ़ने से रोक सकते हैं और साथ ही साथ और उसे कम भी कर सकते हैं और एक फिजिकल फिटनेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी भी ऐसे ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट, मतलब फ्री कर लेंगे ताकि हम थोड़ा एडवांस आसन के लिए तैयार कर सके। सुखासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ सकते हैं, और दोनों हाथ को घुटने के ऊपर चिन या ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से रखिए। चिन या ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से रखेंगे और स्पाइन को श्वास लेते हुए ऊपर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब नीचे खींचेंगे नाभि को खींचना है और चिन को लॉक करना है, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको जैसे आप चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन इस प्रकार से बैठते हैं, एड़ी के ऊपर नहीं बैठेंगे, दोनों एड़ी के बीच में गैप बनाना है, उस गैप के ऊपर बैठना है। दोनों हाथ को अपने थाइस के ऊपर रखिए, श्वास भरना है, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आपको जाना है, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, चेस्ट को एक्सपेंड करना है, श्वास भरना है, शोल्डर को खींचना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, चिन लॉक करना है, नाभि को खींच लेना है, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप कम से कम 10 टाइम्स कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, उसके बाद आप अभ्यास को आगे की ओर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप सिटिंग जॉब में रहते हैं तो कोशिश करिएगा, जैसे आप 1 घंटा बैठ रहे हैं तो कोशिश करिए कि 10 मिनट या 5 मिनट कम से कम, जैसे वॉशरूम के नाम से या पानी पीने के नाम से, आप थोड़ा सा टहल लीजिए या वॉक कर लीजिए। इससे क्या होता है, आप लंबे टाइम से बैठे रहते हैं तो आपका जो मांसपेशियाँ है और जो हड्डियाँ है, और कहीं ना कहीं एसी में बैठ रहे हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होने लगती है, जोड़ों में दर्द वगैरह, और मोटापा बढ़ने का भी एक कारण है। तो आप सिटिंग जॉब है तो आप 2 मिनट 5 मिनट खड़े हो जाइए, और खड़े हैं तो आप बैठ सकते हैं 1 घंटे में, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। और खड़े खड़े जैसे आप ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन कर सकते हैं, ठीक है, खड़े हैं तो। और अभी जैसे हम आपको पेट के बल लेटकर करने वाले आसन बता रहे हैं, सबसे पहला जो आसन है भुजंगासन बता रहे हैं, जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। आपको पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथ शोल्डर के बाजू में रखना है, चिन लॉक करना है, ठीक है, श्वास लेते हुए नाभि तक उठना है, श्वास भरना है, श्वास लेते हुए उठना है, फिर श्वास छोड़ते हुए चिन लगाना है, पीछे ध्यान रखना है, एड़ी पंजे को जोड़ के रखना है, फिर माथा लगाना है, फिर चीन लगाना है, श्वास लेते हुए नाभि तक उठना है। ध्यान रखना है कि नाभि जमीन से लगा हुआ रहे,
पूरा खोला नहीं है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, चिन लगाइए, माथा लगाइए, चिन लगाइए, श्वास लेते हुए अब कमर तक उठिए, पूरा हाथ नहीं खुलेगा, कमर तक उठना है, होल्ड करके रखिए, नाभि को खींच के रखना है, श्वास लेते हुए ऊपर हैं आप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, चिन लगाइए, माथा लगाइए ताकि थायराइड पैराथायराइड में भी खिंचाव हो और वहाँ भी दबाव हो। जिनको थायराइड वाली प्रॉब्लम है भुजंगासन बहुत अच्छा लाभकारक है। श्वास लेते हुए ऊपर कमर तक उठिए, होल्ड करके रखिए, खिंचाव को महसूस करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिनको ध्यान रखना है, जिनको जैसे लंबा पीठ दर्द है या स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो ना करें, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, अब पूरे हाथ को खोल लीजिए और ऊपर देखिए, होल्ड करके रखना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, माथा लगाइए, श्वास लेते हुए ऊपर। अब ये भुजंगासन के बाद एक आसन है त्रियक भुजंगासन, अपने को कुछ नहीं श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखना है, अपने पैर के एड़ी को देखना है, एंकल को। मेरा पोस्चर दिखाई दे रहा है, आप अभ्यास को कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। श्वास लेते हो सीधा, श्वास छोड़ते हो अपोजिट, श्वास लेते हो सीधा, श्वास छोड़ते अपोजिट, श्वास लेते हो सीधा, श्वास छोड़ते राइट साइड, श्वास लेते हो सीधा, श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड, रिलैक्स। अपने स्थान पर बैठ जाइए। तो अभी जैसे हम सामने ऊपर की ओर उठे, तो इसमें फिर ध्यान रखना है, अगर घर पे हैं तो कोशिश करिए कि आप पीठ के बल है, ठीक है, और जैसे अभी भुजंगासन के, इसके बाद हम लोग शलभासन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शलभासन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि उच्च अभ्यासी है तो ही कर सकते हैं, ठीक है, निम्न अभ्यासी ना करें। जैसे भुजंगासन अभी कर रहे हैं तो आप चिन लगा के रखें, दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे रखेंगे, श्वास भर के पहले सिंपल वाला राइट पैर को ऊपर किए, होल्ड करके रखें, खिंचाव को महसूस करिए कि आपके कमर में पीठ में खिंचाव हो रहा है। आप इसमें काउंटिंग ही कर सकते हैं, जैसे मन ही मन 10 times, देन रिलैक्स। फिर श्वास भरा, लेफ्ट पैर श्वास लेते हुए ऊपर होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखिए 10 times, मन ही मन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। जब दोनों पैर से ऐसे 2 times 3 times हो जाएंगे, फिर दोनों पैर से एक साथ श्वास भर के होल्ड करना है, सिर में लगाने की कोशिश करना है। देन रिलैक्स, 2 times 3 times कर सकते, फिर से श्वास भरी, श्वास लेते हो ऊपर, सिर में लगाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे नीचे, देन रिलैक्स। इसके बाद इसका बैकवर्ड करना है आपको, वज्रासन में आ जाना है, ससांग आसन करना है, क्योंकि मांसपेशी में जो खिंचाव हुआ वो धीरे धीरे अपनी जगह आएगी, शिथिल होगी। माथा लगा लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, और इसमें मन ही मन आप काउंटिंग करिए, जैसे 10 times 20 times, और लंबी गहरी श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल करते जाइए। सबसे पहले आपको बताया गया था कि वज्रासन में बैठना है या सुखासन में बैठना है या पद्मासन में बैठना है, स्पाइन को फ्री करना है, फ्री मूवमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद पहला आसन आपको बताया गया भुजंगासन, भुजंगासन में उसमें 3 variations बताया गया। पहला वेरिएशन में जैसे आप
नाभि तक उठे, ठीक है, फिर कमर तक उठे, और उसके बाद त्रियक भुजंगासन बताया गया, ठीक है, तीन अभ्यास बताया गया। उसके बाद आपको शलभासन बताया गया, सिंगल लेग से, फिर दोनों लेग से पैरेलल अलग अलग हो चुकी, उसके बाद दोनों पैर से एक साथ। तो ये दो अभ्यास किए और भुजंगासन के तीन वेरिएशन, ठीक है। और इसके बाद जब भुजंगासन शलभासन हो गई तो उसके बाद हमने फॉरवर्ड किया सामने की ओर, स्पाइन में जो खिंचाव हुआ था वो अपनी जगह आई। इसके बाद और अच्छे से, ताकि स्पाइन में जो ज़्यादा खिंचाव हुआ वो अपनी जगह आए, ठीक है, आपको क्या करना है, पीठ के बल लेटना है और दोनों पैर को एक साथ श्वास भर के ऊपर की ओर उठाना है, हलासन, ठीक है। आप वीडियो देख लीजिएगा। इसमें आपको होल्ड करके रखना है, जैसे आप 10 टाइम्स होल्ड करके रख सकते हैं तो जो खिंचाव हुआ वो अपनी जगह आएगी। और जैसे आप कहीं ना कहीं घर पे हैं तो कोशिश करिए, जैसे लंबा पुशअप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर लंबा नहीं कर पा रहे तो जैसे आप मार्जरी आसन में बैठे हैं, मार्जरी आसन में आप अभ्यास कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्जरी आसन करेंगे, पहला आसन भुजंगासन किए, उसके बाद शलभासन किए, फिर हलासन किए, अभी मार्जरी आसन कर रहे हैं ताकि स्पाइन को और फ्री कर लें, ठीक है। श्वास लेते हुए ऊपर गले को ऊपर खींचना है ताकि थायराइड पैराथायराइड में भी खिंचाव हो, और कमर को हल्का ऊपर करना है और स्पाइन को नीचे बैंड करना है, ठीक है, कर्व बनाना है। श्वास लेते हुए ऊपर हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप आसन कर रहे हैं दांतों के बीच गैप रखना है, एकदम टाइट करके नहीं रखना है, और स्माइलिंग फेस रखना है, ठीक है, क्योंकि योग अभ्यास जो है हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आनंद के साथ करना है आपको। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, चेन लॉक करना है और नाभि को खींच लेना है, नाभि को खींच लीजिए, पीठ कुबड़ बनेगा। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसके बाद अपने राइट पैर को ऊपर की ओर उठाइए ताकि लोअर एब्डोमेन में भी खिंचाव हो। श्वास लेते हुए ऊपर, देखिए पैर ऊपर से पीछे दिख रहा है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब नासिका लगाना है घुटने से, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब ऊपर उठेंगे तो दाएं बाएं नहीं देखना है, सीधा देखना है ऊपर, ताकि स्पाइन का पोजिशन सीधा रहे, ठीक है, बैंड नहीं रहना चाहिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पेट में खिंचाव हो रहा है, हलचल हो रहा है, उसे महसूस करिए। देन अपोजिट लेग, श्वास लेते ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब श्वास भर के ऊपर पैर उठाया, श्वास लिया, फिर श्वास छोड़ा, ठीक है। अब मार्जरी आसन में दोनों अभ्यास हो गए, मार्जरी आसन का भी और व्याघ्रासन, जैसे ऊपर पैर उठाए, ठीक है। अब इसमें जैसे लंबा पुशअप जो नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि पेट को कम करने के लिए पुशअप भी बहुत ज़रूरी है, जैसे इस प्रकार से आप दंडासन में भी रह सकते हैं, कमर को बराबर रखना है और होल्ड करके रखना है, दंडासन पेट को कम करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आप कोशिश करिए, जैसे अपने सुविधाजनक स्थिति में आप कोशिश करिए, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स होल्ड करके रखना है दंडासन। इसमें हाफ हैंड बैंड करके भी आप होल्ड करके रख सकते हैं,
देखिए लोअर एब्डोमेन में खिंचाव हो रहा है, नाभि क्षेत्र में खिंचाव हो रहा है, महसूस करिए। और इसी पे लंबा पुशअप, और जो लंबा पुशअप नहीं कर पा रहे हैं ऐसे घुटने को बैंड कर लीजिए और श्वास भर के तीन लगाइए जमीन से, श्वास भरिए श्वास छोड़िए, पूरा पुशअप का भी फायदा होगा। ये रहा बाइसेप के लिए। फिर हाथ को जैसे ऐसे आड़ा करना है, दोनों हाथ आड़ा करना है और रख के सामने झुकना है, ठीक है। अब क्योंकि आज जो अभ्यास बता रहे हैं मोटापा को कम करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए लंबा पुशअप करते हैं, श्वास भरेंगे श्वास छोड़ना है, ब्रीदिंग के साथ करना है क्योंकि हम लोग योग अभ्यास कर रहे हैं। एक्सरसाइज और योग में यही डिफरेंस है, क्योंकि योगा हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं और एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का कोई लेना देना नहीं रहता है। तो कोशिश करना है कि आप अगर ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा और कभी भी मांसपेशियों में थकान, और जैसे कभी कभी ऐसा रहता है ना कि आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं और थकान बना हुआ रहता है, फिर दूसरा दिन मन नहीं करता है, लेकिन योग में ऐसा नहीं है। आप सुविधाजनक स्थिति में कर रहे हैं और आपका जो थकान है कुछ समय के लिए रहेगा, और उसके बाद जैसे हम शवासन और योग निद्रा वगैरह करते हैं तो सारी थकान खत्म हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो पुशअप करते हैं, लंबा पुशअप, दोनों हाथ ऐसे रखिए, एल्बो को सीधा रखिए, बॉडी टाइट करके रखिए, स्पाइन को सीधा, कमर एकदम ऊपर नहीं कि आप जैसे पर्वतासन में रखें, ऐसा नहीं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, श्वास भरेंगे श्वास छोड़ते नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। उसके बाद हाथ को ऐसे आड़ा कर लीजिए, ये भी लंबा कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जिन लोग नहीं कर सकते उतनी स्ट्रेंथ भुजाओं में है नहीं, ठीक है, निम्न अभ्यासी है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं 20 टाइम्स, श्वास छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 1 मिनट, हेलो हेलो, हाँ एक मिनट बाद में फोन करता हूँ, सॉरी। चलिए श्वास भरेंगे श्वास छोड़े, हाथ को आड़ा कर लीजिए ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। उसके बाद वज्रासन में बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आसनों को भी याद कर लीजिए। शुरुआत हमने वज्रासन से किया था, स्पाइन को मूवमेंट किए थे, उसके बाद भुजंगासन के 3 वेरिएशन किए, फिर सलभासन किए, फिर हलासन किए, हलासन के बाद मार्जरी आसन किए, उसी में थोड़ा व्याघ्रासन किए, व्याघ्रासन के बाद हम लोग पुशअप दंड बैठ, पहले तो दंड किए दंडासन, फिर दंडासन में फिर पुशअप किए बाइसेप ट्राइसेप दोनों के लिए, अब रिलैक्स हो रहे हैं। अब रिलैक्स में भी देखिए वज्रासन में भी आप रिलैक्स हो सकते हैं और शिथिल दंडासन बैठ के भी हो सकते हैं और पेट के बल लेट के भी हो सकते हैं। तो वज्रासन में ऐसे क्या करना है, दोनों आँखों को बंद रखना है और नाक से श्वास लेना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और मुंह से श्वास छोड़ना है, इससे आप जल्दी रिलैक्स होते हैं। नाक से श्वास लीजिए 3 टाइम, मुंह से श्वास छोड़िए, नाक से श्वास लीजिए मुंह से श्वास छोड़िए। आप अगर बहुत ज़्यादा थक गए हैं
तो कोशिश करिए कि आप 10 टाइम्स नाक से श्वास लीजिए, मुंह से छोड़िए। एक बार श्वास लीजिए नाक से, फिर मुंह से छोड़िए। ऐसे करके 10 टाइम्स लेना है आपको और छोड़ना है। आंखों को बंद रखिए ताकि आप भौतिक जगत से पृथक हो जाएं और आपका मन सिर्फ सांसों पे ध्यान केंद्रित करे। और ध्यान लगाने का एकदम सिंपल तरीका है दुनिया में कि आप अपने आंखों को बंद रखें और सांसों पे ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि आपका सांस आपके नियंत्रण में रहेगा। और सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप भौतिक जगत से पृथक हो जाएंगे और जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी आप कोशिश करिए, अंकल जी हाँ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सॉरी। इसमें मकरासन का अभ्यास कर सकते हैं इस प्रकार से, और पीछे पैर को मूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पैर को मूवमेंट कर सकते हैं, दोनों हाथ को ऐसे साइड वाइज रखना है, शोल्डर बराबर, और साइड फेस रखना है, रिलैक्सिंग पोज। फिर से साइड को चेंज करना है। योग अभ्यास के बाद अभ्यास को किया जाता है ताकि आप रिलैक्स हो जाए, फिर उसके बाद और एडवांस करना है, आगे बढ़ना है, तो ये आपको स्ट्रेंथ देगा। अब इसमें बाल कीड़ासन करना है, दोनों फिंगर को ऐसे लॉक करना है, इंटरलॉक, और जमीन पे रखना है ऐसे, और इसके ऊपर हाथ रखना है, और आपके जो लेफ्ट घुटना है इसको खींच के लाना है, एल्बो से टच करना है, बाल कीड़ासन से होल्ड करना है। आप मन ही मन काउंटिंग करिए, 3 टाइम्स श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए। साइड चेंज कर लीजिए, थोड़ा फास्ट हो रहा है, इसको आप नॉर्मल रूटीन पे कर सकते हैं आराम से। इसमें आप दोनों पैर को एक साथ जैसे हाथ सीधा रख के अपने भुजा के ऊपर रख सकते हैं, और पैर के ऊपर इसे हाथ इधर रख सकते हैं, साइड को चेंज भी कर सकते हैं। और सबसे सिंपल है कि आप शवासन में हो जाएं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिलैक्स लेना है। दोनों पैर के बीच 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखिए, और दोनों हाथ अपने कमर के पास, हथेली आसमान की ओर, और रिलैक्स हो जाइए। और ब्रीदिंग पे ध्यान रखिए, मन में जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए, और धीरे धीरे वहाँ से आप पृथक होइए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो आज हमने जो जो अभ्यास किया है इसको आप डेली रूटीन पे कर सकते हैं। इसके साथ आपको सूर्य नमस्कार करना होता है, तो सूर्य नमस्कार मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, और आप लोग भी भली भांति परिचित है सूर्य नमस्कार से। ठीक है, पोस्टर को देखिएगा, सबसे पहले प्रणाम आसन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, इसमें अपने माथा को घुटने से लगाना है, राइट पैर पीछे लिए, अश्व संचलन आसन, अश्व की भांति आपको ऊपर की ओर देखना है, राइट पैर पीछे था, लेफ्ट पैर पीछे, पर्वतासन, एड़ी और पंजा लग जाएगा, ध्यान रखना है। ये जो अभ्यास बता रहा हूं क्लासिकल योगा का है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। फिर अष्टांग नमस्कार, जिगजैग पोजीशन, इसमें पंजा, घुटना और छाती लगा हुआ रहेगा, चीन लगा हुआ रहेगा। श्वास लेते ऊपर भुजंगासन जो पहले किए थे, श्वास छोड़ते नीचे पर्वतासन,
राइट पैर पीछे लिए थे तो लेफ्ट पैर आगे आएगा। अश्व संचलन, राइट पैर आगे, माथा लगाइए, पाद हस्तासन, श्वास लेते ऊपर, हस्त उत्थानासन, प्राणायामासन। तो सबसे पहले क्या है, हम राइट पैर को पीछे लिए थे तो एक पैर कंप्लीट हुआ, अब लेफ्ट पैर से पीछे जाएंगे तो दूसरा पैर कंप्लीट होगा। श्वास भरेंगे, प्राणायामासन, श्वास लेते ऊपर, हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, माथा लगाना है, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर पीछे, पर्वतासन। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए ऊपर भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे पर्वतासन। अब लेफ्ट पैर पीछे गया था तो अब राइट पैर आगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, ब्रीदिंग के साथ करना बहुत जरूरी है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये रहा आपका सूर्य नमस्कार। पहला पेयर में, सूर्य नमस्कार में टोटल 7 आसनास होते हैं। 7 आसनास में 5 आसनास रिपीट होते हैं तो टोटल 12 होता है। 12 एक पेयर राइट से स्टार्ट किए, देन लेफ्ट से भी 12 किए, तो 12 12 24 24 वन सूर्य नमस्कार कंप्लीट। तो सूर्य नमस्कार आपको कम से कम, अगर फिजिकल फिटनेस चाहिए तो आपको 10 टाइम्स करना है। एक पेयर कंप्लीट 12 24 आसन में ऐसे 10 टाइम्स करना है। तो इससे आप अपने जो ओबेसिटी है उसको बढ़ने, मतलब मोटापा को बढ़ने से आप रोक सकते हैं, और साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस भी आपको मिलेगी। और हर व्यक्ति दुनिया में चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, और अच्छा शरीर में ही अच्छा मन विराजमान होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, ये तो निश्चित है। अगर आज का जो सेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आधा घंटे की सेशन थी, तो इसमें जो जो चीज़ें आपको बताया गया तो वो सारी चीज़ों को आप आत्मसात करें, इसको अपने दैनिक रूटीन में लाइए और इसको फॉलो करिए। और कभी भी कुछ डाउट होता है तो मैं, मेरा फेसबुक पेज है योगाचार्य दिनेश बाला, इसमें भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। और अभी भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी एक क्लोजिंग सेशन होगा, इसमें हम शांति पाठ करेंगे मन को शांत करने के लिए, और ध्यान कैसे आपको करना है उसके बारे में आपको एक मिनट बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, दोनों हाथ में इस प्रकार से मुद्रा लगाना है, ज्ञान या चीन मुद्रा, नीचे और ऊपर की ओर। स्पाइन को एकदम ढीला रखना है, फ्री रखना है, नाभि को खींच के रखना है। हमेशा जिनकी वजन बढ़ चुकी है तो उनको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप वॉक कर रहे हैं, या आप सिटिंग जॉब पे हैं, या आप खड़े हुए वाले जॉब में हैं, जैसे गार्ड लोग जैसे जॉब करते हैं, या आप दौड़ रहे हैं किसी भी प्रकार की पोजीशन में, या साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए अपने नाभि को खींच के रखें। क्योंकि नाभि को अगर आप खींच के रहेंगे तो धीरे धीरे वो होल्ड करते 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 कहीं ना कहीं आपका जो पेट है एकदम जो जो बाहर की ओर जा रहा था वो अंदर की ओर खींचने लगेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखिए, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, दौड़ते समय, खाते समय, बैठते समय हमेशा पेट को खींच के रखिए नाभि से, ताकि और बाहर ना जाए। तो अभी सबसे पहले फाइनल पोजीशन में, जैसे सुखासन या पद्मासन में बैठ गए, दोनों हाथ में ऐसे मुद्रा लगा लिए, आँखों को बंद रखें, मन शांत, स्पाइन सीधा, और अभी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, कैसे आप श्वास ले रहे हैं, कैसे श्वास को छोड़ रहे हैं। 3 टाइम डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करिए, कैसे आप श्वास ले रहे हैं, कैसे श्वास को छोड़ रहे हैं। आज के योग अभ्यास को महसूस करिए, आपने क्या क्या अभ्यास किया। सबसे पहले स्पाइन मूवमेंट, उसके बाद भुजंगासन, उनके 3 वेरिएशन, उसे आत्मसात करें। भुजंगासन के बाद शलभासन, फिर हलासन, उसके बाद हमने मार्जरी आसन, व्याघ्रासन, दंडासन, पुशअप, बाइसेप ट्राइसेप लंबा होके भी, और घुटने को बैंड करके भी उसे आत्मसात करें। आंखों को बंद करके आप इसको फील करें। उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार किया, उसे फील करें। शरीर के जिन जिन मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है वहाँ अपनी चेतना लेके जाएं,
और उन मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो रहे हैं। अब शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव या दबाव नहीं है। स्माइलिंग फेस रखें, अपने संपूर्ण चेतना से संपूर्ण शरीर को देखें, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, शिथिल, शांत। अपने संपूर्ण चेतना को माथा में लेके जाएंगे, माथा शिथिल, रिलैक्स। दोनों भाव रिलैक्स, दोनों भाव जहाँ पर मिलती है रिलैक्स, दोनों पल के रिलैक्स, दोनों पल के जहाँ पर मिलती है रिलैक्स। चिन रिलैक्स, कंधा शोल्डर रिलैक्स, ओट रिलैक्स, दोनों कान रिलैक्स, दोनों गाल रिलैक्स, नाक का अग्रभाग रिलैक्स, संपूर्ण चेहरा बिल्कुल तनावमुक्त, ढीला, सौम्य, सरल, स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस के साथ लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अपने संपूर्ण चेतना से दोनों भावों के बीच में स्थित आज्ञ चक्र, जहां पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहां पर एक व्हाइट बोर्ड देखने का प्रयास करें और उस व्हाइट बोर्ड में स्वर्णिम लाल रंग की कुंची से दीर्घ ओम प्रणव का अंकित करें। उस ओम प्रणव में या आप सूर्य की रोशनी में ध्यान केंद्रित करें, प्रातःकालीन लालिमा युक्त सूर्य की किरणें उसमें ध्यान केंद्रित करें। उसमें ध्यान केंद्रित करते हुए ओ साउंड निकालना है या ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं, या जिनको ओम का उच्चारण नहीं करना है वो वोकल कार्ड से साउंड निकाल सकते हैं। ओम का कंप्लीट उच्चारण, अ उ और म का संयुक्त उच्चारण माँ के तुल्य, ओ शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों के बीच घर्षण करें, उत्पन्न गर्माहट को आंखों के पलकों पर लगाएंगे। एक बार फिर चेहरे से घुमाते हैं, गर्दन से होते हैं, प्रणाम की मुद्रा, परम सत्ता परमात्मा को नमन करते हुए दोनों आंखों को खोलेंगे। हरिओम। इस अभ्यास को आप डेली सुबह जब भी आप अपने निद्रासन से उठते हैं तो सबसे पहले बात आप दोनों हाथ को मलिए, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो हमारे हाथों के तलवे में और पैर के तलवे में होता है। तो सबसे पहली बात, जैसे कोई बेहोश भी हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उनको दिखेगा पहले उनको फ्रेश हवा दिया जाता है और उनके हाथों और पैरों को मला जाता है ताकि वो एक्टिव हो जाए। तब सुबह उठ के इस प्रकार से अपने हाथों को मलिए। अगर आप 2 मिनट 4 मिनट जैसा है अपनी सुविधाजनक स्थिति में आप करिए, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का विस्तार होगा। और हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सुबह उठ के आपको पॉजिटिव सोचना है। और जैसे ही आप उठते हैं आपका लेफ्ट नॉस्ट्रियल चल रहा है ईड़ा नाड़ी या राइट चल रहा है पिंगला नाड़ी, तो आपको ध्यान रखना है जो नाड़ी चल रहा है आप उस पैर को सामने रखें पहले बिस्तर से, तो देखिएगा आपकी दिन भर की जो यात्रा है हमेशा सुखमय, आनंदमय और शांतिपूर्ण तरीके से आपका होगा और हर कार्य आपका पूर्ण होगा। हरिओम।
कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट सेशन था और फर्स्ट टाइम था, तो अगर कोई असुविधा हुआ होगा तो क्षमा करेंगे। कोशिश करेंगे कि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और बिल्कुल आप लोग का सहयोग रहेगी तो हम आगे भी आप लोग को सेशन दे सकते हैं।